के लिए टैरोस क्या बताना चाहते हैं कि वो आपको देंगे या नहीं देंगे, मतलब कि आपकी क्या सिचुएशन हो सकती है। लेट्स टेक वन कार्ड। या डेफिनेटली डेफिनेटली वो और आप दोनों का जो एक कमिटमेंट का जो एक वो सब चीज़ें आपकी एक बैलेंस के लिए कार्ड है, तो डेफिनेटली यू विल गेट। ओके, दिस इज़ समथिंग कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप रिलायबल हैं या नहीं। नहीं नहीं वो रिलायबल हैं, और एज़ पर द टू ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, एक साथ कनेक्ट रहेंगे। ठीक है शिल्पी, मेरे फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे मैम, प्लीज़ रिप्लाई। ओके ओके ओके, लेट मी फ्यूचर स्पाउस। आप गाइस, आपके क्वेश्चंस लास्ट में आते हैं जब मैं कवर अप करके एंड करने वाली होती हूँ, और सब आई फील लाइक कि ओके आई हैव टू मूव लाइक और सेशन आगे करना होगा। फ्यूचर स्पाउस शिल्पी, आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पर थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके अपने फ्यूचर स्पाउस के फैमिली में, और हो सकता है फ्यूचर स्पाउस से भी। लेकिन बाय द टाइम, जैसे टाइम पास होगा, टाइम जैसे आगे चलेगा, उसमें आपके अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े कन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं थॉट प्रोसेस को लेके, मतलब एक दूसरे का थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगा स्टार्टिंग में। मेन्यू, मेरी शादी कब तक होगी प्लीज़ कार्ड फॉर मी। ये तो हो गया। ओके ऑल राइट गाइज, आई थिंक मैंने सब कवर कर लिए हैं, और आपको सबको आंसर मिल चुका है फॉर मैरिज। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे कमेंट में या फिर मैसेज मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे मेल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा जो यूज़र आईडी है वो है लीसा सिमी LISASISIMI। सो आप इस पर जाकर मुझे मैसेज कर दीजिए या मुझे मेल कर दीजिए, और फिर मैं मिलूँगी आपको एक नई रीडिंग के साथ, जिसके अंदर मैं करियर को लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे को करियर के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों को करियर को लेके। सो वन मोमेंट, या सो देखते हैं कि करियर के क्या क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, और करियर चेंज, गवर्नमेंट मैरिज, गवर्नमेंट में मतलब सॉरी करियर में, और जो गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या उसका रिजल्ट, इससे रिलेटेड में जो सारे क्वेश्चंस करियर को लेकर हैं आपके, मैं उनको आपके सामने लाऊंगी विद द टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। सो स्टे ट्यून एंड आई होप सो कि आपको ये जो सेशन है ये अच्छा लगा। सो प्लीज़ मुझको कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, लाइक कीजिए, मुझे उससे फील होगा कि डेफिनेटली। प्लीज़ गाइज, मुझे इंस्टा पे मैसेज मत कीजिए अभी, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन इस यहीं पर मैं आपका आंसर दे सकती हूँ, और फिर मुझे आप लाइक करके बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, सो डेट कि आई विल गेट द एक वन थिंग कि ओके एक मैसेज मुझे भी मिल जाएगा कि दिस इज़ गोइंग अ नाइस वे, और मैं इसे को और कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो इन दिस वे आई विल मूव फॉरवर्ड फॉर अदर थिंग्स, एंड ऑल दोज जिनको भी थोड़ा हेल्थ में इशू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी एक नई सीरीज़ लाऊंगी जल्द ही योगा से रिलेटेड भी, जिसके अंदर मैं आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्किन हेल्थ इशूज़ हैं एवरीथिंग उसको कवर करेंगे हम। और टैरो रीडिंग लाइक गो ऑन ये रहेगी, ये सबसे ज़्यादा क्लोज है मेरे, और मैं होप करती हूँ कि आप सबकी मैरिज को लेके जो भी डाउट्स हो क्लियर हुए होंगे, और आपकी मैरिज भी जल्दी से जल्दी हो जाए। जो भी चाहते हैं, जो लव मैरिज चाहते हैं उनकी लव मैरिज हो जाए, और जो चाहते हैं कि उनकी मैरिज हो जाए वो अरेंज भी हो सकते हैं, लव भी हो सकते हैं, वो भी हो जाए। सो आई होप आप सब बहुत सेफ हैं, और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना स्टिल इज़ हियर इन इंडिया। सो फिर मिलती हूँ मैं फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन। आई होप मुझको बाय कह दो, सो डेट आई विल गो आउट फ्रॉम दिस। ऑलराइट।